नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसान जब वुदू करता है, कुल्ली करता है, नाक में पानी डालता है, चेहरे को धोता है, हदीस लंबी और तवील है, मुख्तसर करके आपके सामने रखता हूँ, क्या होता है, सारे गुनाह जड़ना शुरू हो जाते हैं, चेहरे के गुनाह जड़ जाते हैं, पलकों तक के गुनाह जड़ जाते हैं, मुंह में कुल्ली की है, होंठों के, जुबान के सारे गुनाह झड़ गए, नाक में पानी डाला है, सारे चेहरे पे पानी डाला है, हर चीज के गुनाह धुल गए, पलकों के अंदर के गुनाह, क्या मतलब, नजर की खयानत भी माफ, जुबान की खयानत भी माफ, चेहरे को धोया, कानों चेहरे के सारे गुनाह माफ। और इंसान बुनियादी तौर के ऊपर जितने भी गुनाह करता है उनका मंबा व माखुज, अमूम की बात कर रहा हूं, वो ज्यादातर इंसानी अदा होते हैं, और अदा में से बहुत अहम उज्व जुबान है, जुबान के गुना बहुत ज्यादा होते हैं, कान के गुना भी होते हैं, आंख के गुना भी होते हैं, और जुबान और आंख के गुना तो बेशुमार होते हैं, लेकिन सिर्फ वुजू से अभी चेहरे पे पानी पड़ा, सारे गुना आंख के भी धुल गए, कान के भी धुल गए, जुबान के भी धुल गए। आगे चलिए, गुना और इंसान कहां से करता है, हाथों से करता है, हाथ धो रहा है, हाथों के गुना माफ, पांव धो रहा है, पांव के गुना माफ, मसा कर रहा है सर के हर उज्व के। बुनियादी तौर पे बात इस हदीस में ये बात भी है, नाखूनों से गुना जड़ जाते हैं, गोया एक वुदू कर लेने से इंसान गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मेराज पे गए, पहले आसमान पे जिब्रील हमरा थे, दूसरे में रिफाकत रही, तीसरे में माइयत रही, चलते 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 साथ, लंबी ये भी वाक्य, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के अंदर हजरत बिलाल के कदमों की आहट को सुना, वापस आया ही ना बिलाल, बिलाल का है, बिलाल क्या अमल करता है, चलता तो जमीन पे है, तेरे जूतों की आहट आसमान के ऊपर, सातवें आसमान के ऊपर, जन्नत में सिदरतुल मुंतहा के करीब सुनी जाती है, क्या अमल करता है। हजरत बिलाल ने जवाब में क्या कहा था, मुझे तो अपना कोई अमल याद नहीं है, हाँ ये बात जरूर है कि जब मैं वुदू करता हूं मैं दो नफल पढ़ता हूं, वुदू करता हूं दो नफल पढ़ता हूं, वुदू करता हूं दो रकत नमाज को अदा करता हूं। इस रवायत के अंदर भी हजरत बिलाल का ये अमल, वुदू करके दो रकत को अदा कर देना, ये किस बात की दलालत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को वुदू करना पसंद है, और वुदू की अहमियत इस कदर ज्यादा है कि कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बहुत बड़े एजाज की बात है, जरा गौर फरमाइएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को जिन निशानियों की वजह से पहचानेंगे, वो निशानियां क्या होंगी, सही हदीस में इस बात की निशानदेही की गई है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं उनके आज़ा वुजू की वजह से चमक रहे होंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को इस वुजू की रोशनी और इस वुजू के नूर की वजह से पहचान रहे होंगे।